नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि क्या लेवल इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, निफ्टी में देखिए इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो ये जो लाइन हमने खींची, जो ब्रेकआउट हमारा हुआ था यानी 12,165 170 के ऊपर जाके जब ये सस्टेन करना स्टार्ट किया था तो ये छोटा सा एक ब्रेकआउट था। और इसके बाद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो 12,100 और 12,300, ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल हैं। 12,100 के नीचे आएगा निफ्टी तो निफ्टी थोड़ा सा वीक होगा, जब तक 12,100 के ऊपर निफ्टी है निफ्टी स्ट्रांग साइड में रहेगा हर समय। निफ्टी में देखिए बड़ी तेजी तब होगी जब ये 12,305 307 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा, तब ये 12,400 के पास तक जा सकता है। अब कल के लिए देखिए कल क्या होगा, ये कल की बड़ी कैंडल बनी है, आज की कैंडल उसके अंदर ही बनी है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि 12,150 कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके 12,150 को अगर तोड़ के सस्टेन कर देता है 2-3 मिनट तो समझ जाइएगा 12,120 और 12,100 के लेवल ये कल इंटरडे में दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे ही ये 12,120 के 12,220 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो फिर इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी और इस शॉर्ट कवरिंग इसको 12,250 के ऊपर तक लेके जाएगी। तो 12,220 और 12,150 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं कल के लिए। इन दोनों के बीच में ट्रेड करेगा तो शायद हमारे लिए कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिखेगा। और कल वीकली पहली एक्सपायरी होगी 2020 की, तो उस पर नज़र बना के रखिएगा। मुझे लगता है जो एक्सपायरी होनी होगी वो 12,200 के ऊपर की एक्सपायरी होनी चाहिए, बैंक निफ्टी में 12,200 के ऊपर की और बैंक निफ्टी में 32,000 के ऊपर की। देखिए मैं 12,200 ऊपर एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ना कि ये बोल रहा हूँ कन्फर्म 12,200 के ऊपर ही होगी, लेकिन जैसा डेटा है और जैसा सपोर्ट है मुझे लगता है कि 12,200 के ऊपर ही निफ्टी की एक्सपायरी होनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं। तो सो देखिए जो पहला स्टॉक्स है हमारा वो है अदानी पोर्ट का। अदानी पोर्ट में देखिए आज काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे मूवमेंट हुई, जो पिछले 2-3 दिनों तक मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होगी और मैं अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूँगा कल के ट्रेडिंग सेशन का। कल के ट्रेडिंग सेशन का मैं वेट करूँगा क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 380 के ऊपर जाके क्लोज करता है तब शायद एक यहाँ पर मूवमेंट आपको 395 वाली मूवमेंट देखने को मिल सकती है अदानी पोर्ट में। तो इस पे नजर बना के रखिए, काफी दिनों से ये सस्टेन कर रहा अपने इसी लेवल पे, यानी जैसा कि बोला था कि 360 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक हमें कुछ नहीं करना है। अब ऊपर की तरफ 380 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा, दोनों रेंज के बीच में है तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेट करना है। एशियन पेंट काफ़ी अच्छी मूवमेंट देने के बाद रेजिस्टेंस के पास पहुँच करके यहाँ पे थोड़ी सी सप्लाई हो रही है और वापस नीचे शायद ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर नज़र बना के रख सकते हैं आप एशियन पेंट में। बजाज ऑटो, जैसा कि मैंने बोला बजाज ऑटो में हम जब तक ये 31,000 और 33,050 के बीच में है तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले थे। पिछले 2 दिनों से काफ़ी अच्छी गिरावट यहाँ पे हो रही, तो मुझे लगता है कल की गिरावट में शायद ये यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है 31,000 के आसपास। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप इसको उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं बजाज ऑटो को। दोस्तों, एक वीडियो मैंने डाली हुई है दूसरे चैनल पे, तो उसको जाके आप जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को अगर आप देख के समझते हैं, थोड़ी सी भी आप में अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हैं और कंटिन्यू उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक्स मार्केट में आप कंटिन्यू प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, वो वीडियो 5 बजे के लमसम में मेरे ख्याल से उस चैनल पर ओपन हो जाएगी। अगला स्टॉक्स है हमारा बजाज फिंसर का। बजाज फिंसर देखिए कंटिन्यू ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ऊपर की साइड में, ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके ही चलते हुए चला जा रहा, तो जो सपोर्ट इसके पास है वो 92 के आसपास का है। बजाज फाइनेंस जो रेजिस्टेंस है 43 के पास, जब ये 43 के ऊपर निकलेगा तो काफ़ी तेज मूवमेंट यहाँ पे होती हुई आपको दिखेगी। भारती एयरटेल 470 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तब इसमें एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी जो कि इसको 490 के पास तक लेके जा सकती है। BPCL यहाँ पे मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, वेट कीजिए। ब्रिटानिया नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल है 3,000, तो इस लेवल को ध्यान में रखते रहिएगा। सिप्ला में अभी वेट कीजिए। कोल इंडिया, जैसा कि मैंने ट्रेंड लाइन के बाद ही बोला था कि ये 210 215 के आसपास तक जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ के पास अगर कल कोई रेड कैंडल बनते हुए दिखेगी तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। आइसर मोटर को भी छोड़ दीजिए, इसके भी सेल्स के नंबर शायद अच्छे नहीं आए इसलिए स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा। नज़र बना के रखिएगा गेल के ऊपर, गेल 122 के ऊपर क्लोज करे तो इसको 118 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 128 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं।
ग्रासिम, ग्रासिम देखिए 5-7 दिनों से कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक्स अगर आपको किसी भी कंडीशन में 750 752 के ऊपर क्लोज करे तो 730 का स्टॉप लॉस लगाइए और 780 के लिए टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं हम। एससीएल टेक्नोलॉजी वेट कीजिए यहाँ पर। एचडीएफसी कंटिन्यू स्टॉक सस्टेन कर रहा है अपने हायर लेवल पर, और जैसे ही 2450 के ऊपर क्लोज करेगा 2500 और 2550 के लेवल दिखाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कल को वेट कीजिए यहाँ पर भी, हिंद पेट्रो 270 के ऊपर क्लोज करे तो 280 और 290 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंटिन्यू सस्टेन कर रहा है लेकिन वेट करेंगे, अभी हम 2000 के ऊपर निकलेगा तब देखेंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस छोड़ दीजिए यहाँ पर, इंफ्राटेल में कोई खास नहीं है। इन्फी को नज़र बना के रखिएगा, ये बहुत बड़ी तेज़ी मेरे ख्याल से स्टार्ट करेगा। ये जब निकलेगा 740-742 को, जैसे ही ये क्लोज करेगा ये 780 और 800 के लेवल बहुत फास्ट टच करेगा, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। देखिए जिस दिन निकलेगा स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है, इसमें स्टॉप लॉस आपका 12 से 13 रुपए है और जो रिटर्न आपको है वो लगभग 40 रुपए का है, तो यहां पे नजर बना के आप जरूर रखिएगा। आईओसी में अभी कुछ नहीं, आईटीसी में भी मेरे लिए कुछ नहीं है, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी वेट ही करना है, एलएनटी में भी हमारे लिए कुछ खास यहां पे नजर नहीं आ रहा है, लूपिन में भी कुछ खास नहीं है अभी। एमएनएम जैसा कि मैंने नीचे की साइड में ऑलरेडी आप लोग को बोला हुआ था, तो इस पर नजर बना के रखिए और बने रहिए यहां पे। मारुति जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में बोला था कि मुझे खास अभी यहाँ पे कुछ नहीं नजर आ रहा, तो वेट करते हैं अभी हम यहाँ पे। वो एनजीसी में जैसा कि मैंने बताया है कि वो एनजीसी का अगर आपने बाइंग किया है तो 123 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए यहाँ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये धीरे धीरे 1550 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन ही कर रहा है, तो जैसे 1500 को ब्रेक करेगा बहुत तेज़ी से ये 1450 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो नज़र बना के रखिए यहाँ पर भी। सन फार्मा में कुछ नहीं मुझे दिख रहा, टाटा मोटर में कंटिन्यू बने रहिए। स्टॉप लॉस जो आपका अब होगा वो होगा 172 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। टाटा स्टील वेट कीजिए यहाँ पर भी। टीसीएस में कुछ खास नहीं है। टेक महिंद्रा 800 के ऊपर निकलेगा तभी मैं देखूंगा। टाइटन अभी वेट कीजिए टाइटन में, अब टाइटन एक लेने वाली कंडीशन में पहुंच रहा है, जल्दी इसकी वीडियो में डालूंगा टाइटन की, तो इंतज़ार कीजिए टाइटन के लिए आप। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी कुछ खास मुझे नहीं दिख रहा, और जो यूपीएल है यूपीएल में देखिए कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है, और बजट के पहले ना ये कृषि की जो कृषि वाले क्षेत्र है एग्रीकल्चर वाले ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। कब जब ये 600-610 के ऊपर ट्रेड करने लगे ना, तो शायद ये बहुत तेज़ी से आपको 670 और 680 के लेवल दिखाता हुआ नज़र आएगा, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए घनश्याम टेक एनालिसिस और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वेदांता 156 के ऊपर क्लोज करे तो आंख बंद करके इसको लेके जाइएगा 165 और 170 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस, उस कंडीशन में आप 148 का लगा लीजिएगा। देखिए स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो कीजिए, हमें नहीं पता है कब किसी स्टॉक में क्या बुरी खबर आ जाए, क्या चीज़ें हो जाएं, तो हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही फॉलो करना है। स्टॉप लॉस जहन में रखना है कि 148 पे मुझे निकल जाना है, तो उतनी ही क्वान्टिटी ले जितनी क्वान्टिटी का आप यहाँ पर लॉस ले सकते हैं। अगर आप 6 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं ले सकते हैं और आपने क्वान्टिटी ले ली 10,000 या 20,000 तो फ़ायदा नहीं होगा, तो हमेशा उतनी ही क्वांटिटी ले जिस क्वांटिटी को आप लॉस ले सकते हैं। विप्रो में भी कुछ खास हमारे लिए नहीं है, और जील देखिए कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा, तो ये शायद इसके लिए ये सपोर्ट बन चुका है 270 से लेकर 280 के बीच का, और रेजिस्टेंस 305 से लेकर 307 के बीच का। मुझे लगता है 305 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो 320 शायद आपको 1 से 2 दिन में दिखा सकता है, तो यहाँ पर नज़र आप बना के रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमें निफ्टी कहाँ पर बाइंग और कहाँ पर सेल करना है। दोस्तों हम निफ्टी को बाइंग करेंगे 12,200 के ऊपर निकलेगा तब हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,220 का, सेकंड टारगेट होगा 12,250 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 12,280 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 12,170 का। अगर ये नीचे की तरफ 12,150 ब्रेक करता है तो हम इसे सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,120 का, सेकेंड टारगेट होगा 12,090 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 12,050 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 12,180 का।
दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाता हूँ, तो अगर अभी तक आपने हमारे नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस पर मैं आज एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपको अपनी ट्रेडिंग सेटअप बनाने में हेल्प करेगी, तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।